अब हमने फाइंड आउट करना है कि पीएच उस सॉल्यूशन की जिसमें कि हम बेस को ऐड करते हैं, जैसे मैंने मान लो कि 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन में ऐड कर दिया और मुझे बोला जाए कि बेस सॉल्यूशन की क्या करो, फाइंड आउट करो, पीएच फाइंड आउट करो। अब बेस के भी दो केसेस हो सकते हैं, या तो आप स्ट्रांग बेस ऐड करोगे या फिर वीक बेस ऐड करोगे, ठीक है। ये चीज़ तो इनको हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन, ठीक। 0.1 मोलर NaOH का सॉल्यूशन है और हमें बोला जाता है कि इसकी पीएच फाइंड आउट करो। तो अब आप कैसे करोगे, सबसे पहले आपको क्या बोला था, जो फाइंड आउट करना है उसको लिखो। पीएच हमने माइनस लॉग ऑफ एच प्लस आयन है, तो मुझे भी एच आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, ठीक है। एक तरीका ये है। दूसरा तरीका ये भी तो है कि पीएच को आप किससे रिलेट कर सकते हो, पीओएच से, क्योंकि बेस डालोगे उससे तो ओएच आयन की कंसंट्रेशन आएगी, एच आयन तो आने से रहा। तो हमारे पास एक और रिलेशन था, दैट इज पीएच प्लस पीओएच दिस इज इक्वल टू 14 के बराबर है। पहले पीओएच निकाल लो, फिर उसको क्या करो, पीएच में चेंज कर दो, क्योंकि दिख ही रहा है कि डायरेक्टली हमें एच आयन मिलने वाले नहीं है। तो यहाँ पर पीओएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ ओएच माइनस अप्लाई करना ज़्यादा सही रहेगा। तो पहले पीओएच निकालेंगे, तो पीओएच को यहाँ डालेंगे तो फिर उससे क्या आ जाएगी, पीएच आ जाएगी, दैट इज 14 माइनस ऑफ दी 14 माइनस दी पीओएच। तो पीएच अगर हमें फाइंड आउट करनी है तो पहले अब हम क्या फाइंड आउट करेंगे, पीओएच फाइंड आउट करेंगे। क्यों? क्योंकि हमने सॉल्यूशन में क्या ऐड करा है, बेस करा है। बोलो बात समझ आ गई ये चीज। सबसे पहले NaOH का रिएक्शन लिखना है, जैसे हमने HCl के केस में करा था, Na प्लस OH माइनस, ठीक। अगर हमने इसको 0.1 मोलर लिया है तो ये भी कितना हो गया 0.1 और ये भी कितना हो गया 0.1, पर हमें Na प्लस आयन की कंसंट्रेशन से मतलब नहीं है, क्योंकि मुझे OH आयन की कंसंट्रेशन चाहिए, क्योंकि OH आयन की कंसंट्रेशन से ही बेसिकली क्या आएगी, POH आएगी, ठीक है ये चीज़। तो अब अगर POH फाइंड आउट कर लेते हो, दैट इज माइनस लॉग ऑफ OH माइनस में इसकी वैल्यू क्या कर लेते हो, प्लेस कर लेते हो, ठीक है, तो पीएच आ जाएगी आसानी से, दैट इज माइनस लॉग ऑफ 10^-1 हो गया ये, 0.1 का मतलब 10^-1, तो पीओएच हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई, माइनस 1 बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस 1 हो गया और लॉग 10 की वैल्यू 1 होती है, तो पीओएच हमारे पास कितनी आ गई, 1 आ गई। अब अगर पीओएच 1 आ गई तो पीएच कैसे निकालेंगे हम, तो पीएच कैसे करेंगे हम, पीएच किसके बराबर आ जाएगी, 14 माइनस ऑफ पीओएच, 14 माइनस 1, यानी कि पीएच हमारे पास कितनी आ गई, 13। सॉल्यूशन बेसिक है, पीएच 7 से ऊपर आ रही है, जब भी पीएच 7 से ऊपर आती है तो सॉल्यूशन क्या होता है, बेसिक होता है। बोलो आपको बात समझ आ गई ये चीज। अब हम पढ़ते हैं आयनाइजेशन ऑफ दी वीक बेस। आयनाइजेशन ऑफ वीक बेस फाइंड आउट करनी है, ठीक। वीक बेस जैसे कि हमारे पास हो गया अमोनिया, अगर हम अमोनिया गैस को वाटर में डिजोल्व करते हैं तो ये अंडर रूम कंडीशन कम्प्लीटली सॉल्युबल होती है, इट चेंजेस इनटू NH4OH एक्वस, इसमें चेंज कर जाती है। तो अमोनिया गैस के जितने भी मोल होंगे वो उतने ही किसके होंगे, अमोनियम हाइड्रोक्साइड के होंगे, ठीक। अमोनियम हाइड्रोक्साइड लेकिन पूरी तरह से आयनाइज वाटर में होता नहीं है, वो बेसिकली क्या कर जाता है, इट एस्टैब्लिश द इक्विलिब्रियम। पहला ये रिएक्शन देखो, वाटर एक्सेस में होता है, अमोनिया गैस के अगर हमने सी मोल लिए हैं तो इसका मतलब इसके भी कितने बन जाएंगे, सी मोल, इट इज कम्प्लीटली इरिवर्सिबल रिएक्शन, पूरा का पूरा फॉरवर्ड साइड में चला जाएगा। अब पर अमोनियम हाइड्रोक्साइड जो वाटर में बना ये कम्प्लीटली आयोनाइज होता नहीं है, इट एस्टैब्लिश इक्विलिब्रियम बिटवीन इट्स अनडिसोसिएटेड पार्ट एंड डिसोसिएटेड पार्ट, जैसे हमने पहले करा था अमोनियम आयन एंड OH माइनस आयन इन एक्वस स्टेट। अब फिर से वैसे ही लिखेंगे, इनिशियली हमने इसको, लेट सपोज अगर सी मोल है, वी वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, तो इसकी मोलैरिटी हमने मान ली सी डैश, इसकी मोलैरिटी मान ली इनिशियली रिएक्शन शुरू होने से पहले। तो जब इक्विलिब्रियम आएगा ये पूरा प्रोडक्ट में नहीं जाएगा, इसमें से कुछ एक्स पार्ट जाएगा, तो सी डैश माइनस एक्स इसकी लेफ्ट कंसंट्रेशन होगी, एक्स मोलर, और ये भी कितना आएगा, एक्स मोलर। दिख ही रहा है कि सेम एक्सप्रेशन आने वाला है, जो कि हमने ये पढ़ा था एसिटिक एसिड के लिए, सेम एक्सप्रेशन किसके लिए आएगा, NH4OH के लिए आएगा। बोलो बात समझ आ गई ये चीज। अब देखो यहाँ पे अमोनियम हाइड्रोक्साइड, इसके इक्विलिब्रियम के लिए जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होता है उसे हम KB कहते हैं, दिस इज आयनाइजेशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस। KB किसके बराबर हुआ, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन, दैट इज NH4+ इनटू OH माइनस बाय NH4OH, प्रोडक्ट बाय रिएक्टेंट रेस टू देयर बैलेंस कोफिशिएंट जो केमिकल इक्विलिब्रियम में करा, विच इज इक्वल टू x²/C-x, x इंटू एक्स हो गया ये चीज। फिर से हम मान के चलेंगे कि c माइनस एक्स की वैल्यू अप्रॉक्सीमेटली कितनी है, c है, क्योंकि x की वैल्यू c के रिस्पेक्ट में काफ़ी कम है और इनके आयनाइजेशन कांस्टेंट की वैल्यू भी
काफी कम होती है। केबी जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड का 1.8 × 10⁻⁵ भी होता है, नियरली उतना ही होता है जितना एसिटिक एसिड के लिए है। ये वैल्यूज आप याद ही कर लो तो अच्छा है। तो एक्स स्क्वायर वाई कितना हो गया, सी हो गया, फिर से हमारे पास आ गया। पर अब इस केस में जो एक्स की वैल्यू आएगी वो अमोनियम आयन और OH- की होगी, और सी की वैल्यू जो होगी वो अमोनियम हाइड्रोक्साइड की होगी। सॉरी, ये सी डैश है। अब यहाँ पे जो OH- की कंसंट्रेशन है वो बेसिकली कितनी हो गई, एक्स मोलर, और अमोनियम आयन की भी कंसंट्रेशन कितनी है, एक्स मोलर है, ठीक है ये चीज़। लेकिन अमोनियम हाइड्रोक्साइड की कंसंट्रेशन कितनी हो जाएगी, अप्रॉक्सीमेटली सी डैश, अप्रॉक्सीमेटली सी डैश मोलर हो जाएगी। अगर आप सॉल्यूशन में बेस डालोगे तो बेस डालने का मतलब है कि आपको OH आयन की कंसंट्रेशन है। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो अगर वो 0.1 है तो 0.1 से 0.1 आ जाता है। लेकिन अगर वीक बेस है, अगर आपने उसको सी मोलर ऐड करा है तो सी का कुछ एक्स पार्ट ही आयोनाइज करेगा। अब अल्फा फाइंड आउट करना है। अल्फा बिल्कुल वैसे ही हो गया जैसे एसिटिक एसिड में करा था, दैट इज कंसंट्रेशन डिसोसिएटेड फ्रॉम इट्स इनिशियल कंसंट्रेशन। तो अल्फा क्या हो जाएगा, दैट इज एक्स बाय सी डैश। अगर पूछा जाए कि अमोनियम हाइड्रोक्साइड की डिग्री ऑफ डिसोसिएशन क्या है, अल्फा ऑफ NH4OH, तो इसको आप कैसे फाइंड आउट करोगे, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा हमारे पास क्या होगा, एक्स बाय सी डैश, इसके बराबर हो जाएगा। तो इसके भी वही रिजल्ट है। क्या क्या रिजल्ट आपने याद करे, एक तो ये रिजल्ट याद करा, दूसरा रिजल्ट KB इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी डैश हो गया। और अगर हम x में ये वाली वैल्यू पुट करते हैं सी डैश अल्फा, तो इसमें भी वैल्यू क्या आ जाएगी, KB इज इक्वल टू सी डैश अल्फा स्क्वायर, सेम एक्सप्रेशन आ जाएगा, सी डैश अल्फा स्क्वायर, जैसे उसमें सी अल्फा स्क्वायर लिया था इसमें सी डैश अल्फा स्क्वायर, बात तो वही है एक्सप्रेशन की, ठीक है। सेम एक्सप्रेशन है, अल्फा इक्वल टू एक्स बाय सी, इसमें एक्स बाय सी डैश, KB इक्वल टू एक्स स्क्वायर बाय सी सी या सी डैश, ठीक है। तो इसके ऊपर भी आप क्वेश्चन कर सकते हो, आयनाइजेशन ऑफ द वीक पेस। तो अगर आपको हमारे सेशंस अच्छे लग रहे हैं, ये फास्ट रिविजन अच्छे लग रहे हैं, तो प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड रेफर्स टू द अदर पीपल ऑल्सो। थैंक यू।